الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم 10 هجري आखिरी महीना दस हिजरी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा फरमाया। 125,000 सहाबा साथ मौजूद। उस हज का कुछ वाक़या तो ज़िक्र हो गया था, लेकिन उसमें चंद बातें ऐसी हैं जो आज ज़िक्र करनी हैं। वो है हज के दौरान खुतबा। वो इंसानी दस्तूर हयात है, मंशूर हयात है। हुकूक़ के बारे में एक बेहतरीन दस्तावेज़ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर इरशाद फरमाई। क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए वो मशाले राह है। आज दुनिया हुकूक़ की चैम्पियन बनी फिरती है। नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले माशरे के हर तबके और हर फर्द के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए, ग़ुलामों के लिए, मातहतों के लिए, खाविंद और बीवी के लिए, माँ बाप के लिए और एक दूसरे के लिए हकूक़ को मुतय्यन फरमा दिया। मैं और आप अगर इन हकूक़ की रियायत करें और इन पर अमल करें तो दुनिया भी जन्नत है और आखिरत भी जन्नत है। और जब मुसलमान इन हकूक़ पर अमल करते थे, इन बातों पर अमल करते थे, ये दुनिया के ऊपर हाकिम थे। हमने अपनी ही रिवायात को छोड़ दिया, अपने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को छोड़ दिया, जिसकी वजह से ज़िल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन चुकी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया की ज़िंदगी पुरसकून हो जाए और इस्लाम दुनिया के अंदर तख्त पर आ जाए, हुकूमत पे आ जाए, तो हमें इन आमाल को अपनी ज़िंदगी में लाना होगा। बहुत से गैर मुस्लिम मुसलमान होना चाहते हैं, उनके इस्लाम लाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हम मुसलमान ख़ुद हैं। कोई देखते हैं कि इस्लाम जो कहता है, मुसलमान ख़ुद तो अमल करते नहीं, तो वो ये समझ लेते हैं कि शायद इस्लाम अमल करने के लायक ही नहीं है, या इस्लाम इतना मुश्किल है कि अमल हो ही नहीं सकता कि मुसलमान जो नहीं कर रहे। तो हमने जब से दीन पर अमल करने को छोड़ा तो गैर मुस्लिमीन का मुसलमान होने का रास्ता ख़ुद हमने बंद किया। हम खुद ठीक हो जाएं, हमारे मामलात भी अल्लाह ताला ठीक कर देंगे और दुनिया के अंदर इस्लाम फैलता और फलता और फूलता रहेगा। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत भी अता फ़रमाए और इन आमाल को शौक़ से करने की तौफीक अता फ़रमाए। वो कौन से सबक थे जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने जो है उम्मत को दिया? उनमें तो एक बुनियादी जो सबक था वो तो तौहीद का सबक था कि अल्लाह एक है, जो कुछ करना है उसी के लिए करना है, ला शरीक अलग, उसका कोई शरीक नहीं। नबी अलैहिस्सलाम जब आए थे तो बैतुल्ला शरीफ शिर्क व बिदात से भरा हुआ था, आपने उसको पाक किया। तो बुनियादी सबक तो तौहीद का दिया, उसके अलावा हुकूक़ के बारे में जो बातें हुई तो उसके अंदर तमाम लोगों के अंदर एक मुसावात को कायम किया। कुरान मजीद की आयत पढ़ी, फरमाया अय्युहन नास इन्नल्लाहा यकूल या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुउबन व क़बाइला लितअारफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। के लोगों, अल्लाह का इरशाद है कि ए इंसानों, हमने तुम सबको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है, तुम्हें जमातों और कबीलों में बाँट दिया इसलिए कि तुम अलग अलग पहचाने जाओ, लितअारफू, पहचाने जाओ, बस यही मकसद है इसका। और याद रखो, तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, करामत वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़रों में वही है जो तकवा में तुमसे ज़्यादा है। ये आयत तिलावत फरमाई, फिर इसके बाद फरमाया
कि ना किसी को अरबी, ना किसी अरब को किसी आजमी के ऊपर कोई फौकियत है, ना किसी आजमी को किसी अरबी के ऊपर कोई फौकियत है, ना किसी काले को गोरे पर, ना किसी गोरे को काले के ऊपर अब कोई फौकियत या कोई फजीलत है। हाँ, बुजुर्गी और फजीलत का अगर कोई मेयार है तो फ़कत तकवा है। अरबी होना या आजमी होना, काला होना या गोरा होना, ये कोई बात ही नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कोई हकीकत नहीं। और आगे फरमाया, सारे ही इंसान काले हों या गोरे, अरबी हों या आजमी, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और वो मिट्टी से बनाए गए थे। अब फजीलत और बरतरी के सारे दावे, खून और माल के सारे मुतालबे और सारे इंतकाम ये मेरे पाँव तले रोंदे जा चुके हैं। बस बैतुल्ला की तौलियत और हज हाजियों को पानी पिलाना, ये खिदमात उसी तरह बाकी रहेंगी। बाकी पिछली सारी जो जाहिलियत की चीज़ें हैं उनको मैंने अपने कदमों तले रोन दिया। फिर हुकूक़ की अदायगी का हुक्म दिया। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुरैश के लोगों, ऐसा ना हो कि अल्लाह के हुजूर तुम इस तरीके से आओ कि तुम्हारी गर्दनों के ऊपर लोगों के हक हो, दुनिया के बोझों, और दूसरे लोग तो आमाल लेके पहुँचे आखिरत में, और फिर ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारे काम ना आ सकूँ। हुकूक़ को अदा करते रहना। फिर जो नस्ली तफाखुर होता है ना, फ़ख्र करना कि मैं इस नस्ल का हूँ, इस ज़ात का हूँ, ये ज़ात पात की ऊँच नीच को भी नबी अलैहिस्सलाम ने कदमों तले रोन दिया। क्या फ़रमाया, कुरैश के लोगों, खुदा ने तुम्हारे झूठे गुरूर और तकब्बुर को ख़त्म कर डाला, बाप दादा के कारनामों के ऊपर तुम्हें फ़ख्र करने की कोई गुंजाइश नहीं। इसको भी नबी अलैहिस्सलाम ने ख़त्म कर दिया। और आपस के हकूक़ की अदायगी का अहतमाम ऐसे फरमाया, फरमाया कि बेशक तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज़्ज़त आबरू बाहम एक दूसरे के लिए इसी तरह हराम है जिस तरह आज का ये दिन है, ये महीना है और ये हुरमत वाली जगह है। और फरमाया, ए मुसलमानों, आपस में एक दूसरे के लिए तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज़्ज़त आबरू भी वाजिबुल एहतराम है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ कत्लो गारत गरी, लूट मार और इज़्ज़त आबरू की पामाली, ये सब के सब तुम्हारे ऊपर हराम है। किसी की इज़्ज़त भी नहीं उछाल सकते। इसको भी नबी अलैहिस्सलाम ने हक़ के अंदर रख दिया। फरमाया, देखो कहीं मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि आपस के अंदर ही कत्लो गारत गरी करने लगो, आपस ही के अंदर एक दूसरे के गले काटने लगो। और फरमाया, दूसरे के माल का तहफ़्फ़ुज़, अगर किसी के पास कोई अमानत रखवाई जाए तो वो इस बात का पाबंद है कि अमानत जिसके पास है वो असल बंदे को वापस दे। किसी भी किस्म की कोई भी अमानत, एक दूसरे के हकूक़ का, एक दूसरे की चीज़ों की हिफाजत करना, इसमें बताया गया। और फरमाया, अय्युहन नास कुल्लू मुस्लिमिन अखुल मुस्लिम व इन्नल मुस्लिमीन इख्वा, लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान भाई भाई हैं। ये सबक दिया। और वर्कर्स का, खादिमों का, मुलाजमीन का हक भी समझा दिया। फरमाया, अपने ग़ुलामों का ख्याल रखो। हाँ, अपने ग़ुलामों का ख्याल रखो, इन्हें वही खिलाओ और पहनाओ जो तुम खाते और पहनते हो। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर के मसले को भी खोल के बता दिया। उसमें फरमाया कि दौरे जाहिलियत का सब कुछ मैंने अपने पैरों तले रोन दिया। ज़माना जाहिलियत के खून सारे इंतकाम अब काल आदम हैं, ख़त्म हो गए। पहला इंतकाम जिसे मैं काल आदम करार देता हूँ मेरे अपने ख़ानदान का है, रबिया इब्ने हारिस के दूध पीते बेटे का खून जिसे बनू हुज़ैल ने मार डाला था, अब मैं उसे माफ़ करता हूँ। पिछली सारी चीज़ें ख़त्म करके अब फरमाया कि आगे बढ़ना है। माशी हकूक़ जो हैं, इकनॉमिक राइट्स, इसके बारे में फरमाया कि अब दौरे जाहिलियत का सूद, आपस का लेन देन, इस किस्म का कोई हैसियत नहीं रखता। पहला सूद जिसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ अब्बास इब्ने अब्दुल मुतलिब के ख़ानदान का सूद है, अब ये ख़त्म हो गया। सूद के बारे में तो एक जगह कुरान के अंदर आया है, ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने वाला मामला है। फ़ज़नू बिहर्ब मिन अल्लाह व रसूल, आज हुकूमत हो या आवाम, सब सूद के अंदर डूबी हुई है। बहुत सारे लोग ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि सूद ख़त्म किया जाए। तो मैंने एक मरतबा, हमारे एक साथी हैं, आज़म नाम है उनका, एक बैंक में जॉब करते हैं, तो उनसे बातचीत हुई तो मुझे बस ख़ुद कहने लगे, ये बात है कुछ 8 से 10 साल पुरानी, कहने लगे कि जिस ब्रांच में मैं हूँ, बैंक का नाम लिया,
और कहने लगे कि जिस ब्रांच में मैं हूँ इस वक्त उसमें 4000 अकाउंट्स हैं आम लोगों के, उनमें 3500 से ज़्यादा सेविंग यानी सूदी अकाउंट हैं, यानी आवाम की अक्सरियत भी सूद में डूबी हुई है। और आज भी आम माहौल में कहीं किसी से कर्ज़ा मांगो तो वो पहले सूद की बात करता। तो जब पूरा आवे का आवा ही सूद के ऊपर हो तो सुकून कहाँ से आए, चैन कहाँ से आए, आसानियाँ कहाँ से आएँ। فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی مانند ہے۔ ہم جنگ ہی جب اللہ اور اس کے رسول سے کر رہے ہیں تو پھر سکون اور اطمینان کیسے ہوگا۔ اس کے بعد یہ فرمایا, میں جاہلیت کی ہر بات کو ختم کرتا ہوں, جاہلیت کی ہر رسم علامت ختم, جاہلیت کے تمام جھگڑے ختم, انتقام در انتقام کی یہ روش یہ ہمیشہ کے لیے ختم, جاہلیت کے سارے سود ختم, یہ سب کے سب باطل ہیں۔ یعنی سبق دے دیا کہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ چلنا ہے, خاندانوں کے رسم و رواج کو چھوڑ دینا ہے, سنت کے اوپر آنا ہے۔ اسی طرح وراثت کے بارے میں بتا دیا, لوگوں خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا, اب کوئی کسی وارث کے حق میں وصیت نہ کرے, کس کی اولاد ہے, کتنی ہیں, بیٹے کتنے ہیں, بیٹیاں کتنی ہیں, مال کی ترتیب کس کی کتنی ہے, اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 4 سپارے میں سورہ نساء میں خود بیان فرما دی, اور اس کا اتنا اہتمام کیا کہ یہ حکم نبی علیہ السلام کے ذریعے بھی نہیں بتایا۔ نماز قرآن کے اندر آتے ادا کرو, کتنی ادا کرو, کیسے ادا کرو, قرآن مجید میں نہیں۔ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں, قرآن مجید میں نہیں۔ لیکن کس کا کون کتنے پیسے کا وارث ہے, کتنے پرسنٹ کا وارث ہے, یہ پورا قرآن میں اللہ نے بتا دی۔ اس کی اولاد ہے نہیں ہے, صرف نرینہ ہے دونوں ہیں, صرف عورتیں ہیں, ماں باپ ہیں نہیں ہیں, انتقال کر چکے, کیا رشتہ داری, پوری ترتیب موجود۔ اولاد بھی نہیں ہے, ماں باپ بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے, تب بھی ترتیب موجود, ایک ایک چیز کی تفصیلات موجود, بیوی کا کتنا, بیٹی کا کتنا۔ اس میں رد و بدل کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیوں کو وراثت دینا تو سیکھا ہی نہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے معاشی نظام کو اور خاندانی نظام کو خراب کیا ہوا ہے عمل نہ کر کے۔ اسی طرح انسان کے حسب نسب کو محفوظ رکھنا۔ آج مغرب کے ماحول میں باپ کا نام تک نہیں لیا جاتا, ماں کے نام سے نام رجسٹر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ ولدیت کا خانہ ہے نا, بھائی آپ کا نام کیا ہے, محمد ابراہیم, والد کا نام محمد سلیم, شیخ محمد سلیم, تو ولدیت کا خانہ ہے۔ وہاں ولدیت کا خانہ ہی ختم کر دیا کہ باپ کا پتہ ہی نہیں کون ہے, اور اسی وجہ سے وہاں کے ان معاملات کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ, ہمارے عام عوام کے اندر یہ غفلت ہے اور یہ بات پائی جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت کے دن ماں کے نام سے اولاد کو پکارا جائے گا۔ یا یہ غفلت اس وجہ سے آ گئی کہ عیسیٰ بن مریم, کہتا عیسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ ماں کے نام سے پکارا گیا نسبت سے, تو اس لیے آ گئی ہے۔ کس وجہ سے آ گئی, یہ بات 100% ہی پکی ہے کہ قیامت والے دن ہر انسان کو اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا, فلاں ابن فلاں, باپ کے نام سے پکارا جائے گا ہر ایک کو, ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا, جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے, اور ان کا حساب کتاب خدا کے ہاں ہوگا۔ تین باتیں اس میں فرمائیں۔ حسب نسب تبدیل نہیں کر سکتے, بعض لوگ اولاد لے لیتے ہیں, بچہ لے لیتے ہیں, ان کی اولاد نہیں ہوتی, بچہ گود لے لیتے ہیں, اس کو متبنہ کہتے ہیں۔ بچہ گود لے لینا جائز ہے, لیکن والد کا جو نام ہے وہ اصل والد کا لگے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ جو پالنے والے ہیں ٹھیک ہے, وہ پال رہے ہیں, مال خرچ کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, خیال کر رہے ہیں, محبت دے رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن والد کا نام اصل کا ہی لگے گا, اور وراثت بھی اصل والد کی ہی جاری ہوگی۔ یہ پالنے والے جو بھی دے دیں, لیکن اصل والد, اصل جو وارث ہے یہ اپنے باپ ہی کا ہے۔ اس کو بھی نبی علیہ السلام نے فرما دیا, اور فرمایا جس کے اوپر حرام کاری یعنی زنا ثابت ہو جائے اس کو پھر پتھروں سے نہ اس کا سنسار کیا جائے۔ اگر یہ ہمارے معاشرے کے اندر
ये सज़ा जारी हो जाए तो सिर्फ चंद लोगों की बात है, पूरे माशरे के अंदर हया और पाकदामनी फैल जाएगी। फिर हमें बयानात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अल्लाह और उसके रसूल ने हया के बारे में क्या क्या बताया। चंद लोगों को कुरान मजीद के मुताबिक सज़ा दे दें, और ये सज़ा सिर्फ़ कुरान मजीद में नहीं, पिछली उम्मतों में भी रही, यहूद नसारा में भी रही, तौरात और इंजील में भी यही सज़ा रही। चंद लोगों को ये सज़ा दे दी जाए, पूरा माशरा बाहया बन जाएगा। दीन जब तख्त पर आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। माशरती शनाख्त, जो कोई अपना नसब बदलेगा या कोई ग़ुलाम अपने आका की नस्बत को बदल के बताएगा, किसी और का ग़ुलाम ज़ाहिर करेगा, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत होगी। अपने नसब को तब्दील करना, बाद लोग सैयद नहीं होते, अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता सैयद कहलाने लगते हैं। एक शेर है, किसी ने कहा, रफ्ता रफ्ता हम भी जैयद हो गए, रफ्ता रफ्ता हम भी जैयद हो गए, पहले न जाने क्या थे, अब तो हम भी सैयद हो गए। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये नाजायज़ हैं। कर्ज़ की वसूली, कर्ज़ का अदा करना, इसको भी नबी अलैहिस्सलाम ने इसमें बयान फरमाया, फरमाया कि कर्ज़ काबिल अदायगी है, कोई भी चीज़ आरियतन दस्ती ली हुई है, कर्ज़ लिया हुआ है, उसको ज़रूर वापस करना चाहिए, यह हक़ है बुनियादी इंसान का, और तोहफ़े का बदला देना चाहिए। और जो अगर किसी की गारंटी दे, ज़मानत दे, तो फिर उसको निभाना पूरा चाहिए, नुकसान की सूरत में इसे तावान भी देना चाहिए। खाली ज़ुबानी कलामी गारंटी की बात नहीं है, फिर उसका हक़ अदा करना चाहिए। फिर मलकियत का हक़, ओनरशिप का जो राइट्स है ना, उनको भी बयान फरमाया, राइट्स ऑफ ओनरशिप। क्या फरमाया, किसी के लिए जायज़ नहीं कि वह अपने भाई से कुछ ले ले बग़ैर भाई की दिल की खुशी और रज़ा के, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, अपने अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए, या वैसे ही जुल्मन कि वो नहीं देना चाहता, ज़बरदस्ती लेना। तो ये फरमाया कि किसी के लिए जायज़ नहीं कि किसी की चीज़ ज़बरदस्ती उससे ले, हाँ बखुशी वो दिल की रज़ा के साथ दे तो बात है, वरना नहीं। हमारे यहाँ क्या करते हैं, बहनों को हिस्सा नहीं देते, वही तुम मुझे माफ़ कर दो, बस राज़ी हो जाओ, राज़ी रहना। उसको पता है मिलना तो है कुछ नहीं, अगर मैंने माफ़ ना किया तो रिश्ता भी गया, चलो रिश्ता तो बाकी रखूँ। तो इस तरह माफ़ करने से माफ़ नहीं होता। किसी की तीब नफ्स के बग़ैर, दिल की रज़ा के बग़ैर कुछ भी ले लेना, ये नाजायज़ है और गुनाह कबीरा है। फरमाया कि खुद पर, अपने ऊपर भी और एक दूसरे के ऊपर भी ज़्यादती न करो। इसी तरह अज़्ज़वाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी दोनों के हकूक़ बयान फरमाएं। कुछ यहाँ इशारे दे दिए और पूरी ज़िंदगी आपने अमल करके दिखाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कि औरत के लिए जायज़ नहीं कि अपने शौहर का माल उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी को दे। फरमाया, देखो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी औरतों के कुछ हकूक़ हैं, इसी तरह उन पर भी तुम्हारे हकूक़ हैं। औरतों पर तुम्हारा ये हक है कि वो अपने पास किसी ऐसे शख्स को न बुलाएं जिसे तुम पसंद नहीं करते, और वो कोई ख़यानत ना करें, वो कोई काम खुली बेहयाई का ना करें। अगर वो ऐसा करें तो खुदा की तरफ से इजाज़त है कि तुम उन्हें मामूली जिस्मानी सज़ा दे दो, और अगर वो बाद आ जाएं तो ठीक है, माफ़ कर दो, अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ पहनाओ, अपनी रूटीन लाइफ में खुशियों के साथ वापस आ जाओ। और औरतों के बारे में फरमाया, औरतों के हकूक़ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों से अच्छा सलूक करो, क्योंकि वो ख़ुद तो तुम्हारी पाबंद हैं और वो अपने लिए कुछ कर नहीं सकती। चुनाचे इनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लिहाज रखो, जिनके नाम पर अल्लाह ने तुम्हारे लिए इनको हलाल किया, जिनके नाम पर, खुदा के नाम पर तुमने इनको हासिल किया, इसी के नाम पर वो तुम्हारे लिए हलाल हुई। लोगों मेरी बात समझ लो, मैंने हक़ तबलीग अदा कर दिया। हुकूक़ निस्वा के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत तफसीली और सारी ज़िंदगी तफसीलात बताई हैं। फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्ज़ुल वफ़ात में मुब्तला हुए तो 28 सफ़र से बीमारी शुरू हुई,
और आप रोज़ पूछते आयशा की बारी कब आएगी, आयशा की बारी कब आएगी। हज़रत मैमूना के घर में थे 28 सफ़र को जब बीमारी शुरू हुई, आपके अंदर हिम्मत नहीं थी। एक रिवायत में आता है कि हज़रत अली और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सहारा दे के एक घर से दूसरे घर ले जाते, और एक में आता है कि चारपाई पर ले जाते। आपने उतनी बीमारी में भी अदल किया और इंसाफ करके दिखाया, हक़ अदा किया। हाँ, ये पूछते थे कि आयशा की बारी कब आएगी, ये भी नहीं कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ कि भाई आप मुझे रियायत दे दो, गुंजाइश दे दो, ऐसी भी कोई बात नहीं कि आप कहना चाहते तो कह सकते थे। और वो तमाम अजवाज मुतहरात बखुशी आका की खुशी के लिए इजाज़त भी देती, लेकिन आपने ऐसा जुमला भी इरशाद नहीं फरमाया। क्या फरमाया? आयशा की बारी कब आएगी। तो इससे लोगों को अंदाज़ा हो गया कि नबी अलैहिस्सलाम में आयशा के यहाँ जाना चाहते हैं, तो फिर आपको वहाँ फिर भेज दिया गया, फिर आखिर वक्त तक आप वहीं पर रहें। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक़ के बारे में पूरी तफसीलात से आगाह किया। आजकल हमारे माहौल में एक दो नहीं, कितनी मस्तूरात ने मुझसे पूछा कि जी हमारे ऊपर तो खाविंदों के बड़े हुकूक आते हैं, क्या खाविंद के ऊपर भी हमारा कोई हक है? यानी इतनी तो हमारे माशरे में तकलीफ़ है ना कि मर्द हजरात अपनी बीवियों के हुकूक़ अदा नहीं करते, आम तौर से इसमें कोताही है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों अपने रब की इबादत करो, पांच वक्त की नमाज अदा करो, महीने भर के रोज़े रखो यानी रमज़ान के रोज़े, अपने माल की ज़कात खुश दिली के साथ देते रहो, और अल्लाह के घर का हज करते रहो, और अपने अमीर की इताअत करते रहो। तुम ये काम करते रहोगे, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। जन्नत में दाखिले का फार्मूला बता दिया, और आगे इंसाफ का भी एक हक बताया, फरमाया आगाह हो जाओ, अब मुजरिम खुद ही अपने जुर्म का ज़िम्मेदार होगा। किसी के जुर्म के बदले उसके बेटे को नहीं गिरफ़्तार किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, सजा दी जाएगी, ना उसके बाप को, ना बाप के बदले बेटे को, ना बेटे के बदले बाप को। हर आदमी अपने किए का खुद ज़िम्मेदार होगा। और फिर फरमाया, इन्नहु ला नबी बादी वला उम्मत बादकुम, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। इस फरीदे को भी तुम्हें निभाना है। हाँ, अगर कोई इसके ख़िलाफ़ आए तो फिर तुमने उसको, ऐसे मुजरिम को सबक भी सिखाना है। और फरमाया कि कुरान और सुन्नत को मज़बूती के साथ थामे रखो, कुरान और सुन्नत को मज़बूती के साथ थामे रखो, गुमराही से महफूज रहोगे। और आगे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हक़ के बारे में फरमाया, ये तो दुनिया के और लोगों के हुकूक थे, अपने हक़ के भी बारे में फरमाया। पूछा, लोगों तुमसे मेरे बारे में अल्लाह ताला के यहाँ सवाल किया जाएगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे? लोगों, तुम लोगों से क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे मेरे बारे में, मेरे हक़ के बारे में, बताओ क्या जवाब दोगे? हम जवाब सोच के रखें, इसके लिए क्या तैयारी हमने की हुई है। क़यामत के दिन अगर मुझसे ये सवाल हो जाए, जिसका ये हज्जतुल वदा में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है कि क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा मेरे बारे में, बताओ क्या जवाब दोगे, हम जवाब तैयार रखें, तो जवाब क्या बनेगा? हमें चाहिए कि इत्तिबाए सुन्नत को अपनाएं, अपना चेहरा, लिबास, आमाल, किरदार नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक और नबी अलैहिस्सलाम के दीन की मेहनत में, दीन की इशाअत में लग जाएं। वरना और क्या जवाब है? आप किस चीज़ से खुश होंगे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन पूछा जाए, हाँ भी बताओ हुज़ूर के बारे में क्या हक़ अदा किया, हम कहें जी साल में हमने चंद दिन झंडियाँ लगा ली थी, चंद दिन हमने नारे लगा लिए थे, बाकी सूद भी, बेहयाई भी, बेदीनी भी, सब कुछ हमने किया, नमाजें भी कज़ा करते रहे, क्या अल्लाह के अल्लाह ताला इस पर खुश हो जाएंगे? या कोई कहे जी मेरे पास तो एक दुकान थी, मैं चार दुकानें करके आया, पूछा जाएगा हुज़ूर के हक़ की बात हो रही है, तो बताएं हम क्या जवाब देंगे? सुन लीजिए दोबारा से ये सवाल, फरमाएं कि लोगों तुमसे मेरे बारे में खुदा के यहाँ सवाल किया जाएगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे? अब हम में से हर एक अपने दिल में इसका जवाब सोचे। आज रात को कर लें ये प्रैक्टिस थोड़ी सी, आंखें बंद करें, सोचें क़यामत का दिन है, मैं खड़ा हूँ और मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ के बारे में तुमने क्या अदा किया, क्या तुमने किया? और अब मैं जवाब देने लगूँ, सवाल हो गया मुझसे, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, ज़रा जवाब दे के देखें ना, चंद रातें ये करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, करके देखें।
जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है वो हम छोड़ के हर उधर उधर फिर रहे हैं, मकसद को भूले हुए हैं। ये सवाल अगर क़यामत के दिन होता है हम कहाँ खड़े होंगे। बहरहाल हाज़रीन तो सहाबा कराम मौजूद थे और वो जवाब देने के अहल भी थे क्योंकि उन्होंने सब कुछ करके दिखाया। उन्होंने कहा हम ये गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम अच्छे तरीके से पहुँचाया। तो सहाबा कराम तो ये जवाब दे देंगे, मेरा और आपका क्या बनेगा, इस पर सोचिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से गवाही ली और फिर अल्लाह ताला को गवाह बनाया। अल्लाहुम्मा अल्लाह तो गवाह रहना, अल्लाहुम्मा फशहद अल्लाह तो गवाह रहना, तीन मरतबा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो हाज़रीन हैं गायबीन तक मेरा ये पैगाम पहुँचा दें। अल्लाहु अकबर कबीरा, सहाबा कराम की ऐसी शान ऐसी अजमत कि उन्होंने जब ये बात सुनी तो कितने सहाबा कराम ऐसे हैं जो हज्जतुल वदा के बाद, हज पूरा करने के बाद, बाकी अरकान पूरे करने के बाद वापस अपने घरों को नहीं लौटे। नबी अलैहिस्सलाम का दीन पहुंचाने के लिए सारी दुनिया में फैल गया। सहाबा कराम की तादाद 1.25 लाख, मक्का मुकरमा और मदीना तय्यबा दो मुकद्दस शहर हैं, इन दोनों शहरों में मदफून जिनकी कब्रें मौजूद हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 हज़ार सहाबा हैं, बाकी 1 लाख से ज़्यादा पूरी दुनिया में फैल गए अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए। बास तौर में अपने घर भी गए, अपने कबीलों में अपने इलाकों में भी गए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो फ़कत इस नीयत से निकले कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम की इस बात को पूरा करना है। और गौर कीजिए जहाँ जहाँ तक सहाबा किराम गए ना वहीं तक आज भी दीन है। इस पर कभी गौर करें, जुग्राफियाई तौर पर सहाबा देखें कहाँ कहाँ पहुँचे, बस वहीं वहीं तक दीन पहुँच सका। उसके बाद उम्मत ने उसको बाकी रखा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सहाबा कराम कहाँ कहाँ ना पहुँचे। दश्त तो दश्त हैं सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक सहाबी थे ग़ालिबन नाफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु, नाम याद नहीं आ रहा। वो जिहाद करते करते फतुहात करते करते आगे बढ़ते गए बढ़ते गए, ऐसे मकाम पे पहुंच गए कि आगे समंदर था, कुछ भी नहीं था आगे, समंदर ही समंदर दूर तक। तो उन्होंने अपना घोड़ा समंदर के पानी में उतार दिया, कहा अल्लाह इससे आगे रास्ता नहीं है, मैं तो नहीं थका। तो अल्लामा इकबाल ने इसको क्या फरमाया, दश्त तो दश्त हैं सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बहरे ज़ुलुमात उसको कहा जाता था कि उससे आगे जो जाता था मौत ही थी, वापसी कोई नहीं थी, आगे अंधेरे ही थे। तो वहाँ तक पहुँचे, हर तरफ पहुँचे, दुनिया के कोने कोने पे पहुँचे अल्लाह के नबी का पैगाम लेके। तो हम भी तो इसकी फ़िक्र करें। तो बहरहाल आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज मुकम्मल करके अब वापस मदीना की तरफ जब चलें तो रास्ते में एक सहाबी थे बरीदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको कुछ रंजिश सी हो गई थी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। गालिबन हुआ ऐसा था कि नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का से मदीना से मदीना की तरफ मदीना से मक्का की तरफ हज के लिए चले, गालिबन ऐसे हुआ था कि नबी अलैहिस्सलाम मदीना तय्यबा से मक्का मुकर्रमा हज के लिए चले, हज़रत अली रज़ी अल्लाह यमन में थे, वहाँ से ये वापस चले मक्का के साथ, मक्का पहुँचे नबी अलैहिस्सलाम के साथ हज करने। पिछली दफ़ा ये बात आ चुकी। तो हज़रत बरीदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अली के साथ किसी बात के ऊपर कोई दिल में बात पैदा हो गई, रंजिश पैदा हो गई। भाइयों में हो जाता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जब भाइयों में होता है तो क्या करते हैं, बड़ों के पास जाते हैं, मसला हल हो जाता है। बस इस दर्जे की बात थी, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। आपस में कोई बात हो गई, उनको नहीं समझ में आया होगा उनका कोई काम, तो हज़रत बरीदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम को हज़रत अली की कुछ शिकायत कर दी। तो नबी अलैहिस्सलाम एक मकाम है गदीर खम, एक कुआं था वहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला हुआ था, तो वहाँ आपने एक खुतबा दिया मुख्तसर सा। उस खुतबे में एक तो आपने ये इशारा दिया मैं एक बशर हूँ, मुमकिन है अन करीब मेरे परवरदिगार का कोई पैगाम मुझे आ जाए, कासिद मुझे बुलाने आ जाए और मैं उसके पैगाम को कबूल करूँ, दावत को लबैक करूँ, यानी इशारा दे दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जाने के जो इशारे हैं ना, ताकि लोगों का दिल तैयार हो जाए, जहन तैयार हो जाए,
और उनके वक्तन फवक्तन आप इशारा ये देते रहे। हज्जतुल वदा में भी आपने दिया, फरमाया कि हो सकता है कि दोबारा इस तरह तुम्हारी मेरी मुलाकात ही ना हो, वहाँ भी इशारा दिया, यहाँ भी इशारा दिया, वापसी का सफ़र है। अब कई इशारे आगे नबी अलैहि सलाम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ लोगों को दिए। तो फरमाया कि मैं बशर हूँ, हो सकता है तुम्हारे रब का कोई कासिद आ जाए और मैं उसकी दावत के ऊपर लब्बैक कहूँ। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने अहले बैत की मोहब्बत की ताकीद फरमाई, फरमाया कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, इनका ख्याल रखो। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्बत फरमाया, मन कुंतु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका मैं दोस्त हूँ अली भी उसका दोस्त है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह उनकी शान नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ बयान फरमाई। खुतबे के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इस बात के ऊपर मुबारकबाद दी। और हज़रत बरीदा असलमी रज़ी अल्लाह तआला ने जब नबी अलैहिस्सलाम से ये बात सुनी तो दिल के अंदर कोई भी बात थी वो ख़त्म हो गई, दूर हो गई। भाई बहन भाइयों में, भाई भाई में कोई बात हो, लेकिन जब माँ बाप कह दें कि भाई मेरे लिए छोड़ दो तो बात ख़त्म, वो जो कोई बात थी ख़त्म हो गई। तो यहाँ जो मकसूद है बात को बताने का, वो फ़क़त इतना कि अहले बैत की हज़रत अली रज़ी अल्लाह उनकी, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत हसन हुसैन, इन हज़रात की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। ये खिलाफत का मामला नहीं, ईमान का हिस्सा है इनसे मोहब्बत करना। इनसे मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का तकाज़ा है, और इन लोगों से नफ़रत कोई खुदा ना खासा करे तो ईमान के ख़िलाफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद, इस वाक़े के फ़क़त सिर्फ 2 महीने के बाद नबी अलैहि सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए, वफ़ात हो गई। तो वफ़ात के बाद सकीफ़ा बनी साइदा में खिलाफत के ऊपर आपस में सहाबा में बातचीत हुई, जिसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को चुना गया खलीफा के तौर पर। उसकी अपनी तफसीलात हैं, वो अपने मौके पर इंशाअल्लाह आ जाएंगी। लेकिन उस मौके पर वो तमाम सहाबा मौजूद थे, या उनमें से काफ़ी सहाबा कराम मौजूद थे जो गदीर खम में भी मौजूद थे, जिन्होंने खुतबा सुना। खुद सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे, हज़रत उमर भी मौजूद थे, और भी सहाबा मौजूद थे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ुबान मुबारक से सुना, मन कुंतु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु, कि जिसका मैं दोस्त हूँ अली उसके दोस्त हैं। तो उस मौके पे न हज़रत अली ने, न हज़रत अब्बास ने, न किसी और सहाबी ने इसको पेश ही नहीं किया, क्योंकि वो सब समझते थे कि ये तो मोहब्बत अहले बैत का मामला है और इसमें कोई और मसला नहीं। तो जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ुबान से इस बात को फ़ेस टू फेस सुना और उस मौके पे उन्होंने उसको नहीं लगाया रखा, तो सीधी सी बात है कि वो हमसे ज़्यादा समझने वाले थे। तो ये हदीस मुबारक हज़रत अली रज़ी अल्लाह की शान को बयान करती है। तो बहरहाल फिर नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से आगे बढ़े, मदीना की तरफ बढ़ते गए और आखिर ज़ुल्हज्जा में मदीना तय्यबा पहुँचे। चंद दिन ही गुज़रे थे कि 11 हिजरी शुरू हो गई। नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना तय्यबा पहुँचने वाले थे ना, तो आपने चंद कलेमात पढ़े जो किताबों में लिखे हुए हैं। सुबह का वक्त था, इधर से आसमान से सूरज निकला, इधर से नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो नबूवत की जो किरणें थी सूरज की, ये मदीना में दाखिल हुई। तो मदीना को 202 रोशनियाँ मिल रही थी, एक नबी अलैहिस्सलाम का नूर और रोशनी मिल रही थी और एक आसमान के सूरज की मिल रही थी। नबी अलैहिस्सलाम ने सफ़र से वापसी पर ये चंद कलेमात अदा किए। हम भी सफ़र पे जाते हैं तो वापसी के ऊपर इन कलेमात को अदा कर लें तो सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये पढ़ा। इसके बाद आइबून ताइबून आबिदून साजिदून लिरब्बिना हामिदून, ये पढ़ा। और आगे पढ़ा, सदक़ल्लाहु वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। और अगर अब इसको हम थोड़ा मुख्तसर करना चाहें ना, तो चौथा कलमा पढ़ लें
और इतना पढ़ लें आ इबून ता इबून आबिदून साजिदून ले रब्बिना हामिदून। वापस आते हुए हम लौट के आने वाले हैं, हम तौबा करने वाले हैं, हम इबादत करने वाले हैं, हम अल्लाह को सजदा करने वाले हैं, रब की तारीफ़ और तौहीद रब की तारीफ़ बयान करने वाले, हम रब की तारीफ़ बयान करने वाले हैं, उसकी पाकी बयान करने वाले हैं। आइबून ताइबून आबिदून साजिदून ले रब्बिना हामिदून। चंद कलिमात है, मुश्किल नहीं है। सफ़र से वापसी पर आए, चौथा कलमा पढ़ लें और ये पढ़ लें, और चौथे कलमे से पहले अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब दोबारा पूरा सुन लीजिए, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहु अकबर पढ़ा, चौथा कलमा पढ़ा और आगे आइबून ताइबून आबिदून साजिदून ले रब्बिना हामिदून। आइबून ताइबून आबिदून साजिदून ले रब्बिना हामिदून। ये चंद कलिमात हैं, इनको अगर याद कर लें, हर सफ़र से वापसी पर हम पढ़ लिया करें, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत जो है ये पूरी हो जाएगी। तो नबी अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा वापस आए। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, सहाबा किराम बैठे हुए थे, सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक गैर मारूफ शक्ल में, एक मुसाफिर और अजनबी की शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कई सवालात किए। वो हदीस जवामेउल कलिम में से है, बड़ी जामे हदीस है, और ईमान के बारे में, इस्लाम के बारे में, अखलाक के बारे में कीमती तरीन सवालात किए। हज़रत जिब्राइल ने पूछा मल ईमान, ईमान क्या है, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है, मल एहसान, एहसान क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों बातों के जवाबात दिए। जब पूछा ईमान क्या है, आपने फरमाया अल्लाह पर ईमान लाना, क़यामत पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा होने, ईमानियात की जो बातें, अकीदे की बात की। फिर पूछा मल इस्लाम, इस्लाम क्या है, आपने कहा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये इस्लाम है, पाँच अरकान बताए। फिर पूछा एहसान क्या है, मल एहसान, ये तसव्वुफ़ का पूछा, मल एहसान, एहसान क्या है। तो आपने जवाब दिया कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, अगर ये दर्जा हासिल नहीं तो कम से कम इतना दर्जा तो हासिल कर लो कि ये तुम्हें ख्याल आ जाए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब सवाल जवाब और क़यामत के बारे में कुछ सवाल जवाब किए, जब ये चले गए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़इन्नहु जिब्रील, ये जिब्राइल आए थे, आताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने। तो यहाँ तीन बुनियादी बातें हैं, इनको समझ लीजिए। मल ईमान इस्लाह अकायद का मज़मून आ गया, मल इस्लाम आमाल ज़ाहिरा का मज़मून आ गया, मल एहसान आमाल के अंदर अखलाकी जो चीज़ें हैं, बातिनी जो चीज़ें हैं, इस्लाह अखलाक का मज़मून आ गया। पहली दो चीज़ों में कोई किसी चीज़ का इंकार करे ना, हम कहते हैं मुसलमान नहीं रहा, तीसरी चीज़ को हम भूल ही जाते हैं, तसव्वुफ़ को हम भूले ही बैठे हुए हैं, अखलाक को। अकायद के सिलसिले में किताब व सुन्नत की जो हिदायत हैं, इनकी हिफाजत के लिए इल्मुल कलाम मुदव्विन हुआ, जिसमें अकीदे के ऊपर बात होती है। आमाल ज़ाहिरा के लिए, किताब व सुन्नत के ऊपर अमल करने के लिए, उसकी शरह और रहनुमाई के लिए इल्मुल फ़िक्ह, फ़िक्ह जो है वो मुदव्विन किया गया, की गई, ताकि शरीयत के मुताबिक नमाज को पढ़ना सीख लिया जाए। और इस्लाह बातिन के मुतालिक जो बातें अल्लाह और उसके रसूल ने बताई हैं, उनकी तफसीलात के लिए इल्मुल एहसान, इल्मुल अखलाक, इल्मुल तसव्वुफ़ मुदव्विन हुआ। तो ये तसव्वुफ़ जो है ये दीन का पूरा पूरा हिस्सा और एक शोबा है, ये कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये खालिसतन मक्की और मदनी चीज़ है, खालिसतन कुरान और हदीस की चीज़ है। अपने अखलाक बातनी तौर पर अपने आप को ठीक करना, ये नबी अलैहिस्सलाम के बुनियादी फ़राइज़ में से है। तज़किया नफ्स जो चार नबूवत के मकासद हैं उनमें से एक है। तो बिल्कुल आखिरी आखिरी ज़िंदगी का वक्त है और नबी अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारा दीन सीखना सिखाने के लिए आए। आखिर आखिरी वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इशारे तो देने शुरू किए थे कि आइंदा शायद मुलाकात ना हो, मैं बशर हूँ, रब के कासिद को लब्बैक कह सकता हूँ, इस तरीके से एक जहन साजी चल रही थी। एक और मामला पेश आया, अहले यमन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमारे पास किसी मुअल्लिम को भेजिए जो हमें दीन सिखाए और हमारा अमीर भी वो हो।
हमारे लिए उसको गवर्नर बना के भेजिए, लेकिन गवर्नर ऐसा हो जो दीनी मामलात भी पूरे पूरे जानता हो, यानी आलिम भी हो और दुनियावी मामलात भी जानता हो। तो मालूम ये हुआ कि जितने हुकूमत के ओहदे हैं, हुकूमती ओहदे, ये उन लोगों के पास होने चाहिए जो दुनियावी उलूम पे भी दस्तरस रखते हों और दीनी उलूम के ऊपर भी दस्तरस रखते हों, दुनियावी भी समझ बूझ रखते हों, फाम रखते हों और दीन के बारे में भी समझ बूझ रखते हों। क्योंकि अहले इख्तदार से पूछा जाएगा, तुम कलमा गो थे, तुम्हें अल्लाह ने इख्तदार दिया, उस इख्तदार में तुमने दीन के लिए क्या किया। तो खैर, जब अहले यमन ने कहा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नज़र हज़रत माद इब्ने जबल रज़ी अल्लाह उनके के ऊपर पड़ी और उनको यमन का गवर्नर बना के, मुअल्लिम बना के आपने भेजने का हुक्म दिया। उनको फरमाया कि, उनको बुलाया कि यहाँ माद तुम यमन चले जाओ, तुम्हारी वहाँ ज़रूरत है। फिर आपने उनको बहुत सारी वसीयतें नसीहतें फरमाई, इरशादात दिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेके जब मस्जिद नबी से चले तो आगे तकरीबन आधा पौना किलोमीटर एक आगे मकाम है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको देखने का मौका मिला मदीना में, वहाँ तक आए। इस शान से आए कि हज़रत माद इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी पे सवार हैं और आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे हैं। छोटों को इज़्ज़त देना, अपने साथियों का इकराम करना, ये भी तो कोई सुन्नत है ना। खाली बड़े कहे जी हम ही बड़े, हमारी इज्जत है, छोटों की इज्जत नहीं है। जिनसे आपने काम लेना है, जिनको आपने किसी ज़िम्मेदारी पे लगाना है, तो उनको भी कुछ प्रोटोकॉल देना, उनको मोहब्बत देना, उनको आगे बढ़ाना, हौसला अफजाई करना, ये चीज़ें बड़ों की ज़िम्मेदारियों में आती हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया कि आप पैदल चल रहे हैं, घोड़े की लगाम आपने पकड़ी हुई है और ग़ुलाम जो है वो हज़रत माद इब्ने जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके आशिक हैं, उम्मती हैं, वो घोड़े पे सवार हैं। वो उतरना चाहते थे, नबी अलैहिस्सलाम ने उतरने नहीं दिया कि नहीं ऐसे ही चलो। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे बहुत सारी वसीयतें की, फरमाया लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना। तुम गवर्नर बन के जा रहे हो, आलिम मुअल्लिम बन के जा रहे हो, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, मुश्किलात पैदा ना करना, उनको खुशियों का मुसर्रतों का पैगाम देना और कोई ऐसी बात ना करना जिससे उन्हें दीन से नफ़रत हो जाए। अपने अमल को ऐसे रखना, अपने किरदार को ऐसा रखना कि उन्हें दीन से नफ़रत ना हो जाए। इस तरह की बातें की, क्या अजीब मंज़र होगा। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का ठिकाना उस वक्त क्या था, इसको कौन समझ सकता है। सुनिए, दिल के कानों से सुनिए। पूछा, क्या शान है आप पैदल चलते हुए जा रहे हैं, वो सवारी पे बैठे हैं। पूछा, माज अगर वहाँ कोई मसला पेश आ जाए, उस मसले को तुम कहाँ से हल करोगे। हज़रत माद इब्न जबल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कुरान मजीद से, अल्लाह की किताब से, किताबुल्लाह से मैं उस मसले को हल करूँगा। आका ने पूछा, अगर तुम्हें वो मसले का हल कुरान मजीद में न मिले फिर क्या करोगे। हज़रत माद इब्न जबल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, फिर आपकी सुन्नत से, आपके अक़वाल, आपके आमाल, आपके मामलात, उससे मैं तलाश करूँगा, मसला हल करूँगा। फिर आका ने पूछा, अगर तुम्हें वो मसले का हल ना कुरान मजीद में मिले ना मेरी सुन्नत में मिले फिर क्या करो। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं कुरान और सुन्नत के अंदर जो है ना, उन उसूलों को सामने रखते हुए, उनसे रोशनी और रहनुमाई लेते हुए, अपने कयास और फ़िक़ह और अपनी राय पर अमल करूँगा और उसको कुरान और हदीस के अंदर रखते हुए, उसूलों के अंदर रखते हुए मैं फ़ैसले करूँगा, जैसे एक फ़कीह किया करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जवाब सुना ना, पहले जवाब के बाद दूसरा सवाल, पहले सवाल के बाद दूसरा, उन्होंने जवाब दिया, फिर आपने दूसरा सवाल किया, उन्होंने दूसरा जवाब दिया, फिर जब दो सवाल जवाब हो गए, फिर आपने तीसरा सवाल किया, तीसरे सवाल का उन्होंने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि मैं कोई चीज़ ना किताबुल्लाह से मिली ना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली, उसको फिर मैं कुरान मजीद और हदीस के अंदर उसूलों के सामने रखते हुए अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा और फिर मैं फ़ैसला करूँगा, अपनी राय कायम करूँगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, फरमाए, या अल्लाह तेरा कितना करम है कि तूने मेरे कासिद को, मेरे साथी को ऐसा बना दिया कि उसने बात ऐसी कही कि मेरा दिल खुश हो गया, मैं राज़ी हो गया।
तो तफक्कुह फ़ि दीन ही अल्लाह से मांगना चाहिए। हाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि माज आज तो तुम मुझे देख रहे हो, इसके बाद जब तुम मदीना आओगे ना तो मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी, तुम फ़कत मेरी कब्र को देखोगे। एक आशिक रसूल ने जब ये बात सुनी होगी दिल पे क्या गुजरी होगी, कौन बयान कर सकता कि माज आज तो तुम मुझे देख रहे हो, मुलाकात हो रही है, तुम जा रहे हो यमन, अब जब तुम वापस आओगे ना तो फिर मेरी कब्र ही को देख सकोगे। हज़रत माज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शदीद रोए, एक रिवायत में आता है कि गिर ही पड़े, एक किताब में ये भी है। तो शदीद गम के आलम में हुए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो रो रहे थे तो अपने चेहरे को मदीना तैयबा की तरफ रुख करके फ़रमाया इन्ना औलन्नास बिलमुत्तकून हैसु कानू वमन कानू, फरमाया मेरे करीब तरीन वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं वो जहाँ हो और वो जो भी हों। हैसु कानू वमन कानू, कि मेरे करीब तरीन वो लोग हैं जो तकवा वाले हैं, मुत्तकी हैं, वो जहाँ भी हों जो भी हों। उम्मत के लिए एक आसानी वाला उसूल बना दिया, अगर क़यामत के दिन नबी के करीब होना चाहते हो तकवा इख्तियार कर लो। और हज़रत माज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ फिर यही हुआ, जब वो तशरीफ़ ले गए और फिर जब वापस आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र पर ही हाज़िर हुए, और जब कब्र मुबारक पर हाज़िर हुए तो रोते रहे, खूब रोए। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत माज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका बहुत बड़ा मकाम है, 18 साल की उम्र में तकरीबन मुसलमान हुए और बैत अकबा में जो 70 बुज़ुर्ग हजरात शरीक हुए थे उनमें से ही शामिल थे हिजरत से पहले, और दीन का मसाइल, दीन के मसाइल सीखने में, कुरान और हदीस को समझने में इनको एक कमाल हासिल हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक सनद अता फरमाई थी, फरमाया आलम उम्मती बिल हलाल वल हराम मुआज़ इब्न जबल, फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हलाल और हराम से वाकिफ़ मुआज़ इब्न जबल हैं, इतना अल्लाह ताला ने उनको इल्म अता फरमाया था। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि क़यामत के दिन उलमा के सरदार होंगे, तमाम दुनिया के उलमा हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला के पीछे पीछे होंगे। ये उलमा की भी कदरदानी है और उनका तो एक मकाम आपने बुलंद फरमा दिया ना, कि जितने उलमाए किराम हैं ये सारे के सारे क़यामत के दिन हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला के पीछे होंगे। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान और सुन्नत के आलिम, और बहुत सारी उनकी बातें हैं, बहादुर हैं, शुजात हैं, सारे फ़ैसले कुरान और हदीस से कर रहे हैं, सब के साथ साथ अपने घर में अपनी बीवियों के साथ भी बहुत ज़्यादा इंसाफ की पाबंदी किया करते थे। उनकी दो बीवियाँ थीं, जब एक की बारी होती तो दूसरे घर में ना पानी पीते ना वज़ू फरमाते, इतना भी एहतियात करते कि एक घूंट पानी भी नहीं पीना अगर बारी किसी और की है, और यही नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने सीखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आ गए थे और बस ये आखिरी को 2 महीने और चंद दिन आपको मिले, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना फरमाया जो आपकी मुबारक ज़िंदगी का आखिरी लश्कर था। 26 सफ़र को पीर वाले दिन 11 हिजरी को आपने रूम वालों के मुकाबले के लिए एक लश्कर बनाया और मकाम उबना वहाँ भेजा, ये वो मकाम है जहाँ जंग मौता हुई थी, वहाँ 3 लोग पहले शहीद हुए थे, ज़ैद इब्न हारसा, जाफ़र तैयार और अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमाइन, ये 3 और बाकी भी कुछ शहीद हुए थे। ये आखिरी सरिया था जो नबी अलैहिस्सलाम का भेजा हुआ था। आपने इस लश्कर का अमीर किसको बनाया, कोई बता सकता है जी? बहुत मशहूर हैं, हज़रत उसामा इबन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला, ज़ैद इबन हारसा के बेटे उसामा इबन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला। उस वक्त ये इनकी उम्र 18-20 साल थी, कम उम्र के थे। फरमाया कि तुम जाओ, लश्कर अमीर भी बनाया, फरमाया कि जाके अपने बाप के कातिल से इंतकाम लो, और फरमाया कि अल्लाह के नाम पर अल्लाह के राह में जिहाद करो और अल्लाह से कुफ्र करने वालों से मुकाबला करो।
और नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बुध वाले दिन, जब आप बीमार हो चुके थे, बीमारी शुरू हो चुकी थी, उसके अगले दिन, उस बीमारी के दूसरे दिन, जुमेरात के दिन, बावजूद बीमारी के अपने मुबारक हाथ से निशान बना के दिया, आलम बना के दिया कि इसको लो और जाके अल्लाह के दुश्मनों से जिहाद करो। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहि सलाम से वो निशान लिया और बरीदा असलमी रज़ी अल्लाह उनके सुपुर्द किया और अपनी फ़ौज को मकाम जरफ़ में, जो मदीना से एक मील के करीब जगह थी, वहाँ पर जमा किया। हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद नौजवान बच्चे हैं, लड़के हैं, छोटी उम्र है, और उनको आपने अमीरुल जैश बना दिया। उस लश्कर के अंदर किन किन को रखा? उनके ताबिअ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला, और बड़े बड़े सहाबा कराम जो उस लश्कर में मौजूद थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अमीर नहीं बनाया, इनको अमीर बनाया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तरबियत, बात को मानना, ये जब जज्बे सब देखने होते हैं, बड़ों के काम होते हैं वो कैसे कैसे देखते हैं। तो खैर, नबी अलैहिस्सलाम ने इनको तो भेज दिए, जरफ में जमा हो गए, आप बीमार हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी इस लश्कर में थे, लेकिन वो आपकी तीमारदारी की गर्ज़ से वापस आ गए कि नबी अलैहिस्सलाम की केयर टेकिंग करनी है, तो वो वापस आ गए इस वजह से। और हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हज़रत उसामा से इजाज़त लेके नबी अलैहिस्सलाम की अयादत के लिए आते रहते थे। ये साथियों की ट्रेनिंग, तरबियत, ये सब मामले हैं आगे। इसमें जिसको अल्लाह ने जो मकाम दिया होता है ना, उसके लिए इसमें समझने वाली बड़ी चीज़ें होती हैं, वो समझना चाहे तो। जुमेरात के दिन नबी अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ में इजाफ़ा हुआ, आपने मगरिब की नमाज़ तो उसमें पढ़ाई, लेकिन इशा के लिए तशरीफ़ ना ला सके, तो फरमाया अबू बकर से कहा जाए कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। अबू बकर ने नमाज़ पढ़ाई। मौम जो फ़ौज जो है मकाम जरफ़ में थी और गोमगु पोजिशन में थी, जाएँ ना जाएँ क्या करें, दूर चले जाएँ और पीछे से अगर कोई ख़बर आ जाए तो क्या बनेगा, और इसी हालत में थे। इतने में पीर की सुबह उनको इत्तला मिली कि नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत बहाल हो गई है, 12 रबीउल अव्वल को उनका चलते हैं। इन्होंने भी इरादा ही किया था, पीछे से हज़रत उसामा की वालदा उम्मे ऐमन ने बंदा भेजा और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नज़म में हैं, तुम लोग ठहरो। इत्तला मिली, ये लोग ठहर गए, और पीछे से थोड़ी देर बाद इत्तला आ गई कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह ये परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूरे मदीना में तहलका मच गया, पूरा लश्कर वापस आया। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह तआला ने वो जो निशान था, आलम था, नबी अलैहिस्सलाम के हुजरे के दरवाज़े के ऊपर नसब कर दिया। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ने खलीफ़ा बने, तो आपने पहला काम ये किया कि इस लश्कर को रवाना किया, और पूरी मुखालफत थी लोगों की, कहा कि अभी रवाना ना करें, इसके अलग तफसीलात हैं, वो फिर किसी मौके पर आएँगे इंशाअल्लाह। तो आपने उनको कहा कि नहीं, नबी अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ, तश्कील दिया हुआ लश्कर है, इसको रोक नहीं सकता मैं। यह लश्कर गया, 40 दिन के बाद वापस आया, जहाँ भी जाता फतह इनका मुकद्दर होती। और हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने अपने वालिद ज़ैद इब्ने हारिसा के कातिल को इस सफ़र में कत्ल भी किया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला जब ये जा रहे थे ये लश्कर, तो इनको मदीना से जरफ़ तक पैदल छोड़ने गए, और फिर जब ये लश्कर वापस आया कामयाबी के साथ, तो इस्तकबाल के लिए भी बाहर तक गए और मस्जिद में आके फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। तो ये उस लश्कर की मुख्तसर सी तफसील थी जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में तैयार किया। अब नबी अलैहिस्सलाम हज के वापस आने के बाद, कुरान मजीद के अंदर आयत तो आ चुकी थी ना, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह वरायतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा फसब्बिह बिहम्द रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तव्वाब। इतनी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाले अल्लाह अपने महबूब को क्या फरमाते हैं, इतनी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाले जो महबूब हैं अल्लाह के, अल्लाह उनको क्या हुक्म फरमा रहे हैं, वस्तग़फिरहु इस्तग़फ़ार कीजिए। हम तो सारा दिन में 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार नहीं करते, हम कितने नाफरमानियों में, गफलतों में पड़े रहते हैं, हमें इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक़ नहीं होती। इस्तग़फ़ार हम समझते हैं कि गलती हो, गुनाह हो तब करना चाहिए, पता नहीं किसने हमें पट्टी पढ़ा दी कि सिर्फ गुनाह पे इस्तग़फ़ार करना चाहिए। गुनाह पे तो करना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुनाह गलती हो तभी इस्तग़फ़ार करना है, हर वक्त करना है, हर एक को करना है। कुरान और हदीस की तालीमात सुनिए। देखिए, वुज़ू इबादत है, गुनाह माफ़ होते हैं,
लेकिन वुज़ू के बाद एक दुआ है जिसके अंदर आता है अस्तग़फ़िरु का व अतूबु इलैक, इस्तग़फ़ार नेकी की है, नमाज इबादत है, अल्लाह का क़ुर्ब देती है, नबी की आँखों की ठंडक है, दीन का सुतून है, मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली है। जैसे इंसान सलाम फेरता है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इबादत करके फ़ारिग हुआ, अब क्या कर रहा है वो, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 नेकी के बाद इस्तग़फ़ार। ये तालीम है, क्या मतलब, अल्लाह मैं उस शान की इबादत नहीं कर सका जो होनी चाहिए थी, जो आपकी शान के मुताबिक होती, बस माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ कबूल कर लीजिए। तहज्जुद कितनी बड़ी इबादत है, तो तहज्जुद के वक्त भी कुरान मजीद के अंदर आता है जो तहज्जुद गुजार हैं, जिन्होंने सारी रात तहज्जुद पढ़ी होती है, तो सुबह के बाद वो भी इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं, वबिल असहारी हुम यस्तग़फ़िरून। हज कितनी बड़ी इबादत है, अरफा में सारे गुनाहों की माफ़ी के वादे हैं, जब मैदान अरफा से वापस होती है तो कुरान के अंदर आता है कि इस्तग़फ़ार करो। नेकियों के बाद भी इस्तग़फ़ार, और ये सारी मिसालें तो निस्बतन छोटी हैं, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, फूलों से ज़्यादा मुअत्तर ज़िंदगी, कैसी खूबसूरत ज़िंदगी आपने गुजारी। उस मुबारक ज़िंदगी को गुजारने के बाद अल्लाह फरमाते हैं वस्तग़फ़िरहु फसब्बिह बिहम्द रब्बिका वस्तग़फ़िरहु, अल्लाह की तारीफ़ भी बयान कीजिए और इस्तग़फ़ार भी कीजिए। जब ये आखिरी जो अय्याम थे तो नबी अलैहिस्सलाम बास कलिमात आते जाते चलते फिरते उठते बैठते इनको कसरत से पढ़ते, नमाज के बाद रात में दिन में हर वक्त पढ़ते रहते। उसमें एक तो ये है, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम, और कभी ये पढ़ते सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही व अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, और कभी ये पढ़ते सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक, दोनों चीज़ें आ गईं, वसब्बिह बिहम्द रब्बिका व अस्तग़फ़िरु, हम्द भी, तारीफ़ भी और इस्तग़फ़ार भी, इन तीनों के अंदर ही नबी अलैहिस्सलाम कसरत से पढ़ते। नबी अलैहिस्सलाम जाने से पहले ना सबकी ज़हन साज़ी भी साथ साथ मौका ब मौका करते थे। एक वाक़े और सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी लख्ते जिगर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह से फ़रमाया कि जिब्राइल हर साल रमज़ान में मेरे साथ एक मरतबा कुरान मजीद का दौर करते थे, वो सुनाते थे, मैं सुनाता था, हर साल एक दफ़ा होता, इस साल दो मरतबा हुआ है, मैं गुमान करता हूँ कि शायद मेरी रवानगी का वक्त करीब आ गया। ये तिला देना, जहन साजी करना है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में 10 दिन एहतिकाफ़ करते, आखिरी रमज़ान 20 दिन एहतिकाफ़ किया, और जब ये आयत नाजिल हो गई थी हज के मौके में अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, उस वक्त भी सहाबा को अंदाज़ा हो गया था, खुसूसन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को, नबी अलैहिस्सलाम को भी, कि अब जुदाई का वक्त बहुत करीब आ गया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने हज के मौके पर भी कहा कि शायद दोबारा यूँ मुलाकात ना हो, गदीर खम में फिर कहा कि शायद कासिद आएगा तो मैं उसको कबूल कर लूँगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम इन्हीं दिनों में, ये जो हज के बाद और 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी से पहले के जो वक्त है, दो महीने, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए, उनके लिए खूब और लंबी दुआएं की। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा शुहदाए उहद के पास भी तशरीफ़ ले गए, 8 साल के बाद, 2 हिजरी में हुआ था वो, 8 साल के बाद नबी अलैहि, 3 हिजरी में हुआ था, 8 साल के बाद नबी अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले गए, उनके लिए खूब दुआएँ की। और जब वहाँ से आप आए ना, तो ऐसे आए जैसे कोई हमेशा के लिए किसी से जुदा होने वाला होता है ना, वो कैफियत, उस तरह के अल्फाज, उस तरह की बातें, वो अंदाज़ था कि जिसमें जुदाई जो है वो टपक रही थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से ऐसे रुखसत हुए जैसे कोई हमेशा के लिए रुखसत होता है। बकी भी जाए गए, फिर एक मरतबा बकी से जब वापस आए तो मस्जिद के ऊपर मेंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और खुतबा दिया कि मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए हौज़े कौसर का और वहाँ के मामलात का इंतज़ाम मैं देख सकूँ, कि मेरे उम्मती आएंगे, मैं उनके लिए वहाँ उनके लिए मामलात को, इंतज़ाम को देख सकूँ। कैसी रहमत है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी फरमाया कि दुनिया की परेशानियाँ, गम और मसाइब से निकल के अब मैं जन्नत में जा रहा हूँ, अल्लाह से मुलाकात होगी। क्या फरमाया,
कि मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ, और इसमें तसल्ली भी है, तुमसे पहले यानी तुम भी आने वाले हो, मेरे पास ही आओगे, तो तसल्ली भी है और साथ बता भी रहे हैं, मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए हौज़े कौसर वगैरह का हौज़ का इंतज़ाम करूँ। मेरा तुमसे हौज़े कौसर पर मिलने का वादा है और मैं अपने इसी मकाम पर हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। और फरमाया तहकीक मुझको ज़मीन की खजानों की कुंजियाँ दे दी गई हैं, मुझे अपने बाद इस बात का अंदेशा नहीं है कि तुम मजमूई तौर पर शिर्क का मुब्तला हो जाओगे सारे के सारे, जैसे कि सारा अरब पहले मुशरिक था, इस बात का मुझे अंदेशा नहीं है। हाँ, खौफ तो मुझे यह है कि तुम दुनिया की लालच, तमा और हिर्स में इतना पड़ जाओ और आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में पड़ जाओ, मेरे पास ये गाड़ी, तुम्हारे पास वो गाड़ी, मेरा घर ऐसा, तुम्हारा ऐसा, आपस में इन चीज़ों में तनाफुस में अगर मुब्तला हो जाओगे, लड़ोगे और हलाक हो जाओगे, मुझे इस बात का खौफ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर अलालत का सिलसिला है, इंशाअल्लाह अगली बुध से हम इसको शुरू करेंगे, आपकी बीमारी का, फिर आपके आखिरी अय्याम और आखिरी मामलात का ये तफसीली वाक़ा है, इंशाअल्लाह हो सकता है अगले पूरे एक बयान में हो जाए, नहीं तो दो डेढ़ में हो जाएगा। बस एक बात और मुकम्मल करके इतला कर सुना के फिर बात मुकम्मल करता हूँ, दुआ कर लेते हैं। जहाँ तक मुझे याद है ये अकबर बादशाह का वाक़या है, और जवाब देने वाला एक हिंदू था, बीरबल उसका नाम था, बादशाह का नाम अकबर और जवाब देने वाले का नाम उसके नौ रतन में से एक था हिंदू बीरबल। हुआ ये कि बादशाह ने कहीं सफ़र करना था और सब लोग साथ थे, काफ़िला साथ था, लश्कर साथ था, रास्ते में एक जगह खेमा लगा और रात का वक्त था, तो बादशाह के खेमे में जो मशाल जल रही थी रोशनी के लिए वो अचानक बंद हो गई और खेमे के बादशाह के खेमे के अंदर घुप अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में बादशाह को कब्र याद आ गई कि कब्र में क्या होगा। अब जैसे ही कब्र याद आ गई दिल बेचैन हो गया। खैर, उसने लोगों को इतला दी, मशाल भी ऑन कर दी गई, लोग भी आ गए, सब कुछ हो गया, मशाल जला दी गई, लेकिन उसके दिल का करार जो था ना वो नहीं आ रहा था। उसको एक ख़्याल आ गया कि यहाँ इतना अंधेरा तो कब्र में मेरा क्या बनेगा, चैन नहीं आ रहा था। लोग आए, उसको तसल्लियाँ देते रहे, समझाते रहे, उसको तसल्ली ना हुई। हत्ता के बीरबल आया, उसने एक अजीब अंदाज से बादशाह से ऐसी बात कही, कहने लगा, बादशाह सलामत, तुम लोगों का अकीदा ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में थे दुनिया रोशन थी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो वो नूर न रहा दुनिया में। हदीस के अंदर आता है मदीना के अंदर एक तारीकी सी छा गई। तो उसने एक अजीब नुक्ता निकाला यहाँ से, कहने लगा, जब तुम्हारे नबी ज़मीन के ऊपर थे ज़मीन रोशन थी, आज वो ज़मीन के नीचे अल्लाह ने दूसरे आलम में भेज दिया है तो वो तो रोशन ही होगा ना, तुम किस बात पे डरते, अब वहाँ अंधेरा कैसे होगा, तुम कब्र के अंधेरे से क्यों डरते हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा तो दिया ना कि मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ हौज़ का इंतज़ाम करने, तो ज़मीन के ऊपर जब वो थे तो ज़मीन पर रोशनी थी, अब अगर वो ज़मीन के नीचे, अब वो आलम बरज़ख़ में चले गए, इस आलम से अगले आलम में अगर चले गए तो वो जहाँ पर रोशन होगा मुनव्वर होगा, तो मैं किस बात की परेशानी। तो अजीब नुक्ता है, बहरहाल अल्लाह ताला हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, एक एक सुन्नत को शौक़ से और मोहब्बत से ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक अता फ़रमाए। और क़्यामत के दिन अगर ये सवाल हो गया, मेरे उम्मती मेरी सुन्नतें मिट रही थी, मेरा दीन मिट रहा था, तुमने उसके लिए क्या किया, हम क्या जवाब देंगे, उसके लिए कोई जवाब तैयार हमें रखना चाहिए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।